सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुजल पटेल और आज हमारे टीएच 10 पे थंबनेल से आपको लग रहा होगा वो तीन अटैक मैंने वेस्ट क्यों किए वो वाले अटैक लॉग में। तो वो एक चैलेंज मैंने रखा था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लैन वाले कि जो क्लैन के सिक्स ब्लॉक खुलने वाले जो लास्ट 100 पॉइंट्स होंगे वो मैं लूँगा। और वो वॉल ब्रेकिंग वाला चैलेंज ही था जो मेरे को लगा सबसे जल्दी मैं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे उसी टाइम पर लगे हुए थे मेरे को हराने के लिए। सो मैंने ये देखो ये तीन अटैक्स 0% था, देख लो 0-0-0 20-20-25। ये सिर्फ वॉल्स तोड़ के मैं वापस आ गया था बस इसीलिए ताकि चैलेंज हार ना जाऊँ बस। तो अभी तो हम देखने वाले वॉर में रिप्लेस इस बार स्पेक्टेटर है क्योंकि अपनी क्वीन जा रही है 25 शायद, यस 25 जा रही है। तो वॉर में देख लेते हैं रिप्लेस, ये TH10 वाले ही है सब। इस पर जेड ने अटैक किया था, वो TH11 पे अटैक किया था, देख लेते हैं क्या है। रश बेस है, वॉल्स से ही पता चलता है कि रश बेस है। विजार्ड्स डाल दिए फनलिंग के लिए, मोटर एक्टिव हो गया विजार्ड्स पे, गोलेम अच्छा काम कर रहा है, विजार्ड और एक्सबो को लॉक कर दिया है उसने ताकि पीछे से विजार्ड आराम से फनलिंग कर पाए। वॉल ब्रेकर जाएगा सीधा टाउन हॉल के पास, अब देखते हैं आगे क्या करता है ये। अंदर से निकले है इलेक्ट्रो और बलून, सारी की सारी वॉलक्रीज आ गई है, फिर भी वे पटक चुकी है, मतलब विजर्ड्स का अभी तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। और वॉल ब्रेकर को देखा हमने, ये स्ट्रेट लाइन तोड़ के गया, मतलब वाओ। एआई इशू, मतलब एआई तो नहीं कह सकते, मतलब उतना फिर कितना एआई इंप्रूव करेंगे। वॉलक्रीज तो देखो इतने इधर उसने रखी थी, ये सब इधर तक क्लीनअप था, फिर भी वो इधर आई, मतलब ये एआई इशू है। देखते हैं जो भी है वो ये छोड़ते हैं उसको। बाजू में से क्लीनअप करते 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 हो चुका था ये 3-star 99 पर 100% था वो अटैक। नेक्स्ट अटैक देखे तो वो अभी लाइव अटैक तो हो नहीं रहा, सामने से कांटे की टक्कर मिल रही है। अपने है 24 में 51 और उन लोगों के है 32 में 58। तो TH10 पे अभी हम आए तो TH10 के ही वीडियोज़ देखेंगे, रिप्लेस देखेंगे। ये स्ट्राइडर ने 100% किया, इस पर भी देख लेते हैं, शायद सामने वाले सारे रश है हाँ, बट वो फिर अटैक हमारे ऊपर ऐसे मारते हैं। ये देखो ये इन लोगों ने स्ट्रेटेजी क्या यूज़ किया ये क्लाइन वालों ने, देखो अपने टाउन हॉल दिख रहे हैं उनके 11 है, डिफेंसिस उन लोगों ने कम रखे वो ठीक है चलो। फिर आर्मी कैंप एकदम फुल है, उनकी लेबोरेटरी में प्रोफाइल देखोगे कि वो भी TH11 वाली फुल होगी, मतलब उनका वॉर वेट नहीं बढ़ेगा, उनको TH11 के सामने मिलेंगे TH10 TH9 डिफेंसिस के ऊपर उनका वॉर वेट काउंट होता है। और वैसे देखें तो इनकी आर्मी देख रहे हो आप TH11 मैक्स की, मतलब वो हमारे ऊपर तो सब पे 3-star आराम से कर लेंगे, इसलिए ये स्ट्रेटेजी, मतलब पूरे पूरे क्लैंस ही ऐसे होते हैं कि सब रश, सारे के सारे रश, इसके ऊपर 3-star निकलना मतलब ये भी अच्छी बात है। इन लोगों के क्लैन में भी हायर लेवल ट्रूप्स होते हैं अच्छा खासा, पूरे क्लैन में इतनी मतलब मजबूती होती है, सबके सब मिले हुए होते हैं एक साथ, एक जूथ बन जाते हैं। इलेक्ट्रोलून निकले अंदर से वापस, वही पॉइजन स्पेल और फ्री स्पेल ताकि ख़त्म हो जाए। अंदर से निकला टॉर्नेडो टैप, बलून्स गोलेम सब घूम रहे थे, गोलेम नहीं जायंट। सो ऐसा था कुछ, 4x पे देख लेते हैं फटाफट। और इसके पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लाइव अटैक था वो, बट बीच में आ गया कॉल, तो कॉल तो मैं बता नहीं सकता, ब्लर करना मुझे आता नहीं, तो फिर मैं रिप्ले दिखा देता हूँ आपको कि रिप्ले मतलब अच्छा खासा लूट था। पहले ऐसे कुछ ये रश TH10-11 रश वाले देख लेते हैं वो। तो और पर्वत त्रिवेदी ने किया है, मतलब नहीं है TH9 का तो 9 वाला अकाउंट से आते ही रहता है वीडियोस, वो तो आप देख ले रहे हैं। जेड वाला नहीं, एक ये दीप पे किसने अटैक किया था वो देख लेते हैं, ये भी 11 है और अपना करने वाला भी 11 है। सो ये तो हम देखेंगे कि क्योंकि TH10 पे आया अभी हम। चलो पहले तो अपना लूट रिप्ले देख लेते हैं लास्ट वाला, 1 घंटा 16 मिनट पहले ही मैंने किया था। ये डेड बेस था बट फिर भी पता नहीं कि 3-star नहीं निकला, इधर से चालू किया था, इधर वेबी ड्रैगन से फनलिंग, इधर जायंट्स आए थे, इधर एक हिल्स पर आया था। 2x पे देख लेते फटाफट, ये आ चुके जायंट्स अपने सब विजर्ड्स डिफेंसिस को लॉक करने, कितने करीब करीब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफेंसिस जायंट्स पे लॉक थे, मीन्स पीछे से विचिस के लिए, वॉल ब्रेकर के लिए, माइनर्स के लिए रास्ता एकदम साफ था, क्लियर। एक रेक्स पेल आया था कि इधर काफ़ी सारे डिफेंसेस थे, ये देखो रेक्स पेल जरूर नहीं थी बट फिर भी डाल दिया। इधर निकल चुका है पैका जो किंग के पीछे पीछे दौड़ रहा है, सॉरी किंग उसके आगे आगे दौड़ रहा है, आर्चर क्वीन एनिमी की सिर्फ 2 सेकेंड में चली गई।
दो हिल्स पहले इधर, एक तो स्वैग के लिए डाल दिया, एक था जरूर के लिए, और ये लास्ट में 2,22,000 इसमें बच जाते हैं, ये चार में, मतलब एवरेज एक में थे 50,000, 50-55 हज़ार के आसपास एक में था। गोल्ड और डार्क एलिक्सिर 0-0 हो चुका था, और ये भी उतना निकला नहीं, बट चलो कोई नहीं, चलेगा। नहीं, 2,22,000 इसमें भी नहीं, ये तीन में था सिर्फ, मतलब एक में करीब करीब 70,000। तो ऐसा था वो अटैक। अभी लाइव अटैक मारने जाते हैं, अगर 10 में मिला तो ठीक है, वरना कर पे। ये अच्छे खासी लूट तो नहीं कह सकते, बट उस पर अटैक भी नहीं मार सकते। अब देखते हैं क्या करना है आगे। ये ऐसा बेस है लेकिन इस पे भी नहीं, ट्रॉफीज है सिर्फ, पर ट्रॉफीज नहीं चाहिए, अपन को लूट चाहिए। अभी देखते हैं थोड़ी देर, अभी वीडियो की लेंथ हो चुकी है करीब करीब 6-15 के आसपास। हाँ अभी 6:15 हो चुकी है, 6:15, तो देख लेते हैं, अभी 6:30 तक देखेंगे, 6:30 तब तक होता है, मिलता है तो ठीक है, वरना नहीं। 5 सेकेंड रहे हैं अपन के पास, वरना एक रिप्ले और दिखा दूंगा वॉर में। नहीं चलो अब कर ही लेते, मिले कि ना मिले जो भी आए, अब 5th नंबर या 5th के पहले जो भी आएगा उस पर अटैक मार देंगे, 5th या 5th से पहले, ये फर्स्ट। सेकेंड इसी पे मार देते हैं, आगे मिले ना मिले। जाइंट्स आएंगे इधर ब्लॉक करने डिफेंसिस को, पीछे से आएंगी विचेस क्लीन अप के लिए, आएगा वॉल ब्रेकर जो कि जाएगा सीधा अंदर, आएगा किंग, माइनर्स आएंगे बाद में फनलिंग के बाद, ये हो चुका है अपना बेबी ड्रैगन जो कि विचेस के स्केलीज को अंदर ले जाएगा बड़े आराम से। जाइंट्स अपने हैं इधर, इसके लिए चाहिएगा हिल स्पेल, ये वीडियो आया किसने भेजा। अब माइनर्स रख सकते हैं क्योंकि वो जाएंगे सीधा अंदर, देखते हैं किधर, यस अंदर जा रहे हैं माइनर्स, सारे के सारे माइनर्स आएंगे इधर, दो बॉलर्स, हिल स्पेल आएगा अगेन इधर की जरूर है, इधर जाइंट्स बहुत सारे हैं, थे बहुत सारे थे सॉरी, एक रेक्स वेल भी आएगा इधर क्योंकि वो सीसी में से निकला है, बहुत खतरनाक चीज़, फ्रीज करना, वही आगे आ गया यार, शिट्स। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है अटैक में आगे, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लूट तो उतनी आई नहीं, बट कोई नहीं, 2 स्टार आज आ चुके हैं, मतलब 21 ट्रॉफीज तो हमारी हो चुकी है, बहुत है 21। ये क्या करे स्पेल्स का, चलो रख देते इधर स्वैग में, एक तो यूज़ कर देते हैं सामने वाले को, इसको फ्रीज कर देते हैं, अभी भी नहीं हुआ यार, हद होती है ये वॉल ब्रेकर्स। ए ओए नहीं जाने वाले अब ये, उधर सीधे जाएंगे अंदर, कैनन पता देगी उनको। ओके तो भी काफ़ी सारी लाइफ कम कर दी है, 4 आर्चर्स रख के कर देते हैं इसको 4 स्टॉप, देखते हैं कितना परसेंट निकला। चारों आर्चर्स जाएंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन पे, देखते हैं उसकी क्या उखड़ पाते हैं। अब इलेक्ट्रो ड्रैगन आ गया उन पे, एक ही बार में पता देगा सबको, पता देगा मतलब ख़त्म कर देगा। ओके तो इसी के साथ अपना हो चुका है ख़त्म, 21 ट्रॉफी हो चुकी है हमारी, 1 लाख तो बोनस मिल चुका है, मतलब बहुत है, काफ़ी है। सो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा, 8:45 तो हो चुके हैं, इनको डोनेट कर देते हैं फटाफट फटाफट से, आज क्यों पता नहीं स्लिप ऑफ टंग ज़्यादा ही हो रहा है। कोई नहीं, बाकी को हम डोनेट कर नहीं सकते। सो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू सून। ओके सो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड इट्स टाइम अ न्यू वीडियो गेट्स अपलोडेड। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।